हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। हाय गाइस, माय नेम इज प्रियंका और हम हैं द ऑथेंटिक इंडियंस। यस, वी आर बैक। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। एक्चुअली मैं आज हम कहीं ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, आज हम कुछ घर का भी नहीं कर रहे हैं। मतलब हम नॉर्मली घर का अपडेट दिखाते हैं या हम ट्रैवल करते हैं, आज थोड़ा अलग करते हैं क्योंकि यश एक हफ्ते बाद अपनी ऑफिस ट्रिप से वापस आया है। तो यश पिछले पूरे हफ्ते इटली में थे, तो यश कल ही वापस आया है। तो यश वाज लाइक, मेरे को तो बहुत ही गंदी क्रेविंग हो गई है, लाइक ही वाज ईटिंग पिज्जा। भाई मैं मतलब इटली में गया था, वहाँ पे चीज पिज्जा पास्ता खा के मतलब मेरी हालत टाइट हो गई थी। yes. इतना पिज्जा पास्ता मिलता है वहाँ पे। yes. तो और कुछ मिल ही नहीं रहा था। ऑफ कोर्स वहाँ पे मीट मिलती है तो मैं नहीं खाता वो, तो हाँ. बहुत दिक्कत आ रही थी मुझे। तो मैंने प्रियंका को आते ही बोला कि भाई कुछ बनाओ बढ़िया सा जो यहाँ पे मिलता ही नहीं हो, बेल्जियम में इवन रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है और इंडिया में बहुत पॉपुलर है। अब गेस करो ऐसा क्या हो सकता है। कमेंट करो, वीडियो को पोस्ट करो और नीचे कमेंट में बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है और वेजिटेरियन और जो बेल्जियम में बहुत मुश्किल से मिलती है या मतलब रेस्टोरेंट में तो मिलती ही नहीं है। और हम अपने घर में 3 साल में फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। हाँ, हमने अभी तक एक्चुअली रिसेंटली इंडियन स्टोर पे आना शुरू हुआ है। हाँ, मतलब अभी हमें हमने अभी खरीदना शुरू करा है। तो एक स्टोर है ऑनलाइन इंडियन स्पाइसेस करके, वहां से हमने ये खरीदा है। तो अभी आप लोग गेस करो और नहीं तो फिर हम तो बता ही देंगे। टाइटल देख के पता लग ही जाएगा। बाय द वे मैं इटली का भी एक अलग से ब्लॉग डालूंगा, वहाँ पे क्या ट्रैवल रूल्स थे, बिकॉज वहाँ पे कोविड का था थोड़ा सीन अभी भी, तो थोड़ा रिस्की था। तो ठीक है, उसका वीडियो जो है इसके बाद आएगा। तो ये हम पहले शूट कर रहे हैं क्योंकि प्रमोशन है ये। तो प्रमोशन ही है बट स्टिल मतलब जेन्युइन, जो भी है जेन्युइन प्रमोशन है। हाँ, जेन्युइन क्या मतलब हम घर में भी यूज करते ही हैं वैसे तो। हाँ. तो अभी करते हैं और प्रियंका बताएगी डिश के बारे में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है और ब्लॉग करते हैं शुरू। सो लेट्स गो। तो गाइज, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप, और ये सोया चाप हमें रिसेंटली मिली है। तो ये जो सोया चाप है, दिस इज ऑलरेडी लाइक पंजाबी मसाला, हमने आज से पहले कभी बनाई नहीं है तो हमें नहीं पता पंजाबी मसाला कैसा होगा कैसा नहीं होगा। बस हम पंजाबी हैं तो इसलिए हम पंजाबी मसाला ले आए हैं। बट आई हैव सम ग्रेट कलेक्शन ऑफ टीआरएस मसाला, ये मैंने अपने कबर्ड में से निकाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम यूजिंग देम। भाई लास्ट वीडियो में जो फ्री बॉक्स मिला था उसमें से नहीं है, अंदर वाली है। और ये देखो, ये मतलब लाइक ये आधा किलो का पैकेट में पूरा खत्म कर चुकी हूँ मिर्च का। ये हल्दी, दिस इज जिंजर पाउडर, दिस इज तंदूरी मसाला, और जो जो और यूज करते जाएंगे वो मैं बताती जाऊंगी। और घर में दही नहीं है मैरिनेशन के लिए, तो क्या किया जाए। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों दही जो है वो खत्म हो चुकी है, तो पहले लेके आएंगे राशन और वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। तो बिल्कुल देसी वीडियो, बट एटलीस्ट थोड़ा सिंपल मैरिनेशन कर देते हैं, फिर दही बाद में आके एटलीस्ट मसाले तो लग जाएंगे। कोई बात नहीं, इंडियन घरों में यही होता है। इसको धोना पड़ेगा आई थिंक। नहीं, तो भाई ये चाप है जो बॉक्स मिला था, कौन सी कंपनी की है? हीरा। ये हीरा की है जी। हीरा का भी आई थिंक। मेरे को हीरा से पता कौन याद आ गया। कौन? सूर्यवंशी देखी है तुमने? नहीं। खून की उल्टी मैं लगा भी दूंगा मीम में। बट ये कैसी भी बने इस पे हमें पूरा भरोसा है। सही बात है, मसालों से तो हम कुछ ना कुछ कर ही देंगे। मतलब मेरे को वो लग रहा है, मतलब मेरे को लगा था कि पंजाबी चाप का मतलब होगा कि ऊपर मैरिनेटेड होगा, बट नहीं, वो मसाले अंदर है। मतलब यू नो व्हेन दे मेक द चाप तभी वो मसाले अंदर डाल देते हैं। तो गाइस मैरिनेशन हमारी हो चुकी है, अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको एयर फ्राई करेंगे और साथ साथ ग्रेवी बनाएंगे। तो देखते हैं आज कैसा बनता है ये फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बेल्जियम। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो अब हम इसको ढक के रख रहे हैं, मैं माइक्रोवेव में ही रख रही हूँ, मतलब चला नहीं रही माइक्रोवेव, जस्ट सो दैट वो आराम से आधा घंटा रखा रहे। इसको आधे घंटे बाद हम निकाल लेंगे। तो अब मैं थोड़ी सी किचन क्लीन करती हूँ और मसाले की प्रेप करती हूँ। मेरे पास आधा घंटा है तो हम आधा घंटा बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आधा घंटा हो चुका है हमारे इसको मैरिनेट होते हुए, अब इसको निकालेंगे बाहर और क्या करना है उसके बाद। हाँ, मैं बस मसाले की तैयारी कर रही थी इतने में, तो अभी आधा घंटा पूरा हो चुका है। इसको अपने एयर फ्रायर में डालते हैं और थोड़ा सा इसको ग्रिल करेंगे। तो अब हम इसको अपने, वैसे इसके स्नैक्स भी बन सकते हैं अच्छे। हाँ, मतलब अगर आप इसमें कैप्सिकम वगैरह डाल के पूरा स्टिक्स वाला बनाना चाहते हो चाप, जैसे इंडिया में मिलती है बेसिकली, तो आप वो भी कर सकते हो। Oh, 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 oh,
तो बीच में हम दो एक दो बारी खोल के देखेंगे। 10 मिनट के लिए रख रही हूँ मैं 180 डिग्री पे। तो गाइस जो ग्रेवी का प्रोसेस है मैं वो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, सबको ग्रेवी बनानी आती है। प्याज मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, इसके अंदर प्याज लहसुन और अदरक है। तो गाइस अब हम टमाटर डालने जा रहे हैं, हमारे जो अनियन है वो ब्राउन हो चुके हैं। सो तो भाई सब्जी गई है बन चाप वाली, जो भी है ग्रेवी दिखने में तो ठीक लग रही है, बाकी टेस्टिंग अभी करेंगे प्लेटिंग करके। तो भाई सत्य वचन की घड़ी, सत्य वचन की घड़ी। हाँ तो टेस्टिंग का टाइम है। हम इस बार इंडिया के ट्रिप पे बहुत अच्छी चाप खा के आए थे एक्चुअल में। हाँ। मतलब हमने सबसे अच्छी चाप और मोमोज ही खाए हैं वहाँ पे। तुम्हारे पड़ोसी था ना, एक उसने बनाई थी। हाँ। तो टेस्ट करते हैं, दिखने में तो देखो भाई सही लग रही है, ऐसी बात नहीं है, कोई कमी नहीं है। मतलब ग्रेवी वो बनाई है थोड़ी डार्क थिक सी। हाँ यश को थिक ग्रेवी पसंद है तो मैंने थिक बनाई है, बट लेट्स सी टेस्ट कैसा है। मैंने खुद मतलब लास्ट टेस्टिंग नहीं करी थी, मतलब मैंने लास्ट इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद बीच में करी थी, तब ठीक बनी है, सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट हो गई है, अच्छी बनी है। हाँ, सही बनी। ग्रिल भी अच्छी हो गई थी वो बिल्कुल, उसके बाद मैंने मसाले में ताकि वो सोख ले। बट ये ऐसी थी ना, उसके साथ खा सकते हैं तुम नान वान के साथ, हम तो रोटी के साथ खा रहे हैं। हाँ। बट नान वगैरह के साथ अच्छी लगेगी। हाँ, इसको थोड़ी ग्रेवी और पत्ती करी जा सकती थी वैसे, है ना। हाँ। इसके अंदर भी मसाले हैं, बट मसालों का फ्लेवर कैसा आ रहा है। टीआरएस के मसाले मतलब अच्छे हैं, हम तो खा ही रहे हैं, बट आप लोगों के लिए। बट अगर जो लोग बेल्जियम में आ रहे हैं तो टीआरएस वगैरह के मसाले मिलते हैं, यूज कर सकते हैं, तो अच्छे होते हैं। मोस्टली इनकी सारी रेंज आती है मसालों की, मतलब आप खड़ा मसाला भी देख सकते हैं, सौंफ, इलायची, दालचीनी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और टू बी ट्रू मेरा तो खुद का जो पूरी पूरी पेंट्री है वो डीआरएस के मसालों से ही बनी। तो भाई ये व्लॉग था हमारा बेसिकली फूड व्लॉग, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम खाना करेंगे एंजॉय, भाई हमने घर से बाहर भी निकलना है तो बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक इट लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, कर दो लाइक, कर दिया करो यार, ताकि आगे एल्गोरिथम में भी आए। तो ठीक है, अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय। चलो अब हम अपना लंच करते हैं।